मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश और जिले में भूमाफिया और क्रिमिनल क्राइम करने वाले माफिया को नेस्तनाबूत करने की मनसा पूर्ण की गई। काकागंज में शराब माफिया को नेस्तनाबूत करने नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। रवि कोरी को घर को नेस्तनाबूत करने के लिए जेसीबी ले जाने के लिए जगह नहीं की। 4 फुट की कुटिया में आने वाले गरीबों के आशियाने को नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था और उनको कुछ समय की मोहलत दी गई थी कि इसकी राशि आपको आपके खाते में मिल जाएगी। 1 साल पूर्व जेसीबी द्वारा गरीबों के आशियाना भी तोड़ दिए गए। 1 साल से नगर निगम के चक्कर लगाते आ रहे हैं। गरीब हितग्राहियों को नगर निगम द्वारा ना ही मुआवजे की राशि और ना ही आवास योजना में पैसों का लाभ मिला। नगर निगम में भटकते हुए हितग्राही ने जब मीडिया से अपनी आवृत्ति सुनाई कि ना ही हमारे पास कोई रोजगार है और हम पति पत्नी दोनों साथ में मजदूरी करते हैं। 1 साल से नगर निगम के चक्कर लगाते आ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुंडा भूमाफिया प्रदेश मुक्त करने के बाद गरीबों के भी आशियाना छीन लिए गए। अब देखना लाजमी होगा कि नगर निगम प्रशासन हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ कब तक दिलाता है। उमेश जी भाई, कहाँ से आई हैं आप? काकागंज से। क्या समस्या लेके आई थी नगर निगम? नगर निगम ने हमारे मकान मिटाए है, रवि गुंडा को मकान मिटा, तो बोल रहे थे 15 दिन में पैसे मिलेंगे, आज तक नहीं मिले, 1.5 साल हो गए। तो उनका मकान मिटाने गई थी जो गाड़ी है यहाँ से, तो आपका मकान क्यों मिटाया? बोल रहे थे कि जगह नहीं है, सरकार ने खुद बोली थी कि हम आपको पैसा देंगे, मिटा दें दो, उनको ऑर्डर है हमारा सरकारी मिटा दो। तो आपके घर से कोई क्रिमिनल है क्या? कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं, हमसे जैसे किया था इसमें हम मान गए, हमारे घर में कोई यही नहीं है, बिल्कुल अकेले है, न लड़का न बच्चा न आदमी। कब हुई थी ये कार्रवाई? जी पुरानी साल में भाई थी। नहीं करते क्या हुआ? बीड़ी बनाते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? तो घर मकान बना कर दे, हम आओ या पैसा दे, कुछ भी दे। इसके लिए आपने नगर निगम में कहीं शिकायत की? 1 साल 5 बार तो कलेक्टर के आवेदन दिए, 50 दिन तक हम फिर गए, बोलते हैं सब लोग में हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। नगर निगम साहब, रवि गुंडा का मकान तोड़ा, जब हमारे मकान आगे है और रवि के घर जाने के लिए 4 फुट की कुलिया है, इसलिए मैं हमारे सब कहा कि आपके मकान बना दिया जाएगा, आप तोड़ लेने दो, तो बुलडोजर तो निकलने के लिए जगह बनाई रास्ता रवि के यहाँ जाने के लिए है, उसके बाद में महीना भर का कह दिया, उसके बाद में आज तक नहीं है। और हम लोग कलेक्टर भी गए, विधायक के पास भी गए, निगम में भी आए, भगा दिया जाता है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई आवास योजना में फार्म भरवा दे, फिर भी फिर रहे हैं। 1.5 साल से कहाँ रह रहे हो आप? कैसे रह रहे हो आप लोग? 1.5 साल रात किराए से रहते हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। क्या काम करते हैं आप? सदड़ी का काम है हमारे पास। अभी आप यहाँ निगम आए तो आयुक्त साहब से बात हुई क्या आपकी? नहीं, आयुक्त साहब में मिले नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे तो जैसे भैया जैसा कहा से हमारा मकान बना दो या मुआवजा दे दो या कुछ भी तो करो। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे यहाँ नहीं है, हम दोनों दोनों टुकर गया, बच्चे भोपाल में रहते। क्या करते हैं वो? वो तो मजदूरी करते हैं।